खुश आमदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं TNA न्यूज़। अफजलगंज के इलाके में RTC बस ड्राइवर की लापरवाही से एक नौजवान की हुई मौत। तफसरात के मुताबिक आसिफ नगर झिर्रे के रहने वाले 20 साल शोएब नामी नौजवान चादर घाट मुस्लिम हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे कि पुतली बौली के पास एक RTC बस ने उन्हें टक्कर दे दी थी, जिसके नतीजे में शोएब जख्मी हो गए थे और उन्हें उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मगर अफसोस कि आज उनकी मौत हो गई। शोएब के घर वालों ने RTC बस ड्राइवर और उस्मानिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया। सुनिए सारी तफसील उन्हीं की ज़ुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। देखिए भाई, आज कल रात में 4:30 बजे हमारे दोस्त समी भाई के छोटे बेटे का RTC बस वाले जो है ना मार के एक्सीडेंट कर दिए। ये RTC बस वालों को क्या हो गया पता नहीं चल रहा। ये जो है सो लोग ये पूरा मौत का तांडव कर रहे हैं। ये लोग RTC बस वाले, इनको चलाने आता या नहीं आता नहीं मालूम। इनके ऊपर पूरा जांच करना चाहिए। ये हर जगह RTC बस वाले, कभी ऑटो वाले को मार रहे, कभी कोई खवातीन ड्यूटी से आ रही उसको मार दे रहे, कभी फुटपाथों पे चढ़ा दे रहे। आखिर क्या तो भी है RTC बस वालों का। मगर और ऊपर से जो उस्मानिया दवाखाना, अब नाम का दवाखाना रह गया, उसमें नई ट्रीटमेंट कुछ नहीं हो रहा। उसमें ये अपने को चादर घाट पर हुआ है, पुतली बोली चादर घाट पर हुआ। इनको बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं मिलने से बच्चे की फौत हो गई है। और उस्मानिया दवाखाने में इलाज करने के काबिल का दवाखाना नहीं रहा, वो ट्रेनिंग सेंटर बन गया वो। फिर पुलिस वाले और जो है सो ना वहाँ पर आप इमरजेंसी डॉक्टर को जो 2 घंटे से पहले कोई डॉक्टर नहीं मिलता तुम्हारे को। अब इंसान इमरजेंसी में उसका ब्लड बहता, खून जाता, उसको खून की कमी होती, फिर बाद में आके बोलते ये लोग आके भाई खून कम पड़ रहा। अब तुम 2 घंटे के लेट आए तो बाद खून कम नहीं पड़ेगा तो क्या पड़ेगा बोलो। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें, ये अफजलगंज पुलिस स्टेशन में करे ये। और ऊपर से ये अब ये दवाखाने में इलाज सही नहीं हो रहा, ये पूरे डॉक्टरों के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और कोसा डॉक्टर कब आ रहा कब जा रहा किसी को नहीं मालूम हो रहा। उनको मार कहाँ लगा था जब? उनको मार कहीं नहीं मार लगा, उनको खाली थोड़ा बहुत घसीटे पड़े और जो नाजुक जगह पे कुछ मार लगा सो उनको। और 2 घंटे के बाद डॉक्टर आके उनका इलाज करे, इलाज होने सही होने से उनकी मौत हो गई है। अल्लाह उनकी मगफरत करे। और मैं KCR साहब से बोल रहा हूँ, KCR साहब उस्मानिया दवाखाना शहर का सबसे मशहूर दवाखाना है, वहाँ पे बेहतर से बेहतर इलाज होता था, लेकिन डॉक्टर सही इलाज नहीं कर रहे। कौन डॉक्टर कब आ रहा कब जा रहा मालूम नहीं हो रहा। नाम है उनका जिसके इंतकाल हुआ? उनका नाम मोहम्मद शोएब है, यहीं बस्ती में रहते, हमारे झिरे में रहते ये। उनकी उन्होंने दवाखाने से आ रहे थे, उनकी जरा फैमिली मैटर है, वो उनकी बच्ची का था, उनकी तो डिलीवरी का मसला था, तो ऐसा हो गया खून के लिए जा रहे थे जी, खून लेकर। हाँ, अब सही देखा गया तो उस्मानिया दवाखाने में ये देखो भाई, ये आज का दवाखाना नहीं है, बहुत सालों का दवाखाना है, उसमें इलाज ही नहीं हो रहा। गरीब आदमी अगर उस्मानिया दवाखाने को नहीं गया देखो तो कहाँ जाएगा बोलो तुम? क्या हमारा भाई MP है, MLA है, जो करोड़ों रुपये लगा के दवाखाने प्राइवेट में बनाने के वास्ते? हाँ, ये अगर ये गरीबों के वास्ते अगर सही इलाज नहीं, लापरवाही है भाई। आप मीडिया वाले